पे हजारों बच्चों की भीड़ आती है मेरे पास पढ़ने के लिए, और आप लोग का बहुत प्यार और रिस्पेक्ट मिलता है। नहीं प्यारे बाबू, आप लोगों को सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ कहूँ। आज मुझे गर्व हो रहा है एक कैमूर वासी होते हुए, और कैमूर में फक्र हो रही है कि प्रदीप जैसे सर जैसे लोग, मुखिया जिस दिन बोला ना, इस देश के नेता जिस दिन, इस देश के जो नेता लोग हैं जिस दिन शिक्षा पर ध्यान दीजिए, पूरा भारत हमारा हंसती हुई चिड़िया हो जाएगी जैसे पहले थी। आज मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि अपने कैमूर में एक शेर पैदा हुआ है, वो प्रदीप सिंह मुंगा है जिन्होंने शिक्षा पर इतना जोर दिया। मैं कभी भी किसी भी लीडर का कोई भी फंक्शन होता है मैं डिनाई कर देता, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे पहली बार, मैं पहला ये सेमिनार कर रहा हूँ जहाँ लीडर के बुलाने पर आया हूँ, क्योंकि ये लीडर एक ऐसे जिन्होंने शिक्षा की अलग जगह है। अभी सर का एक सेमिनार था जो सासारा में हुआ था, जहाँ पे खान सर थे और मैथ मस्ती वाले विपिन सर थे, उनसे सर ने वहां पे जाकर अपना स्पीच दिया। मुझे बड़ा प्राउड फीलिंग है कि एक लीडर, जिस दिन देश के लीडर अपने शिक्षा में भाग लेने लगे, देश अपने आप तरक्की करेगा। सर का ये काम मुझे देख के बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है। आज मुझे बहुत गर्वानी महसूस हो रहा है कि अपने कैमूर के धरती में भी अब ऐसे नेता पैदा हो रहे हैं जो बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों की शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं। लोग तो सिर्फ आते हैं, नेता बनते हैं, गली बनवा दिए, रोड बनवा दिए। अरे यार, देश का भविष्य बना दो, दिल्ली गली बनेगी, दिल्ली लाइट लगेगा, दिल्ली नाले बनेंगे। भाई आप सभी को मैं बता दूं मेरे प्यारे बाबू, शिक्षा दुनिया की सबसे ताकतवर हथियार है। शिक्षा से, एक कलम से, एक कलम में पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, एक तलवार से एक इंसान को मार सकते हैं, लेकिन एक कलम से करोड़ों लोग को मार सकते हैं, आप करोड़ों के जीत हासिल कर सकते हैं। कलम में इतनी ताकत होती है। आपको बता दूं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, ये सब एक गरीब घर के माँ बाप के बच्चे थे जिनके घर में खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में आज पहचान लाया है। हर स्कूल, हर सरकारी दफ्तर, हर जगह उनका नाम है। हीरो का नाम आएगा चला जाएगा, लेकिन शिक्षा से जो नाम पैदा होगा पूरी जिंदगी कोई नहीं मिटा सकता है। शिक्षा का नाम होता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें दे रखा है, जिन्होंने शिक्षा की ताकत से पूरे भारत में इतनी अछूता फैले हुए थे, उन्होंने पूरे भारत के हर एक गरीब बच्चे को, हर एक कमजोर तबकों को इतना ताकत दे दी कि हर जगह शेर की तरह दहाड़ रहे खड़ा होकर, वो IAS हो, PCS हो, DM हो, मंत्री हो, राष्ट्रपति पद तक बैठा है। इसका दम जिस लोग छूना नहीं चाहते थे, देखना नहीं चाहते, वो इंसान आज राष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ है। ये शिक्षा के दम से हुई है। शिक्षा एक ऐसी अलग है जैसे अपने दिल में लगा लो पूरी दुनिया में आग लगा सकते हो। शिक्षा एक गरीब बच्चे के लिए, एक मिडिल फैमिली के परिवार के बच्चों के लिए शिक्षा के बढ़कर कुछ भी नहीं है। शिक्षा एक ऐसी हथियार है जिससे आप मेहनत करोगे ना, शेर की तरह कहते हैं ना, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने शेर की तरह दहाड़ा है। शिक्षा का दूध पीजिए, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया उसने दहाड़ा है। शिक्षा मेरे प्यारे बाबू, जिस तरह सर ये जगा रहे हैं आपके अंदर, मैं बता रहा हूँ, कोई बच्चा कमजोर या मजबूत नहीं होता है, सब बच्चे अपनी मेहनत से मजबूत बनते हैं। आप ये जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई आपकी कितनी बड़ी जिंदगी बना सकते हैं आपको नहीं पता है। सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं कि हम गाँव के लड़के हैं, हम कमजोर लड़के हैं, हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हम यहाँ पढ़े तो हम कुछ बड़ा थोड़ी कर सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े वही बड़ा कुछ करेंगे, जो बड़े स्कूल में बड़ा करेंगे, सब गलत फहमी है। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ भाई, मैंने पूरी एजुकेशन सरकारी स्कूल से किया है। आप जैसे हमारे भी स्कूल थे जहाँ पर खिचड़ी खिला के घर भेज दिया जाता था, लेकिन हमने एक समय आया, एक वक्त आया, मुझे अपनी शिक्षा की इंपॉर्टेंस समझ में आई। आज देखिए शिक्षा का दम की वजह है कि आप मुझे यहाँ पे बुलाए हैं, मैं यहाँ पे आपके सामने बोल रहा हूँ। मेरे लिए आप जो तालियां बजा रहे हैं किस लिए? मेरी नॉलेज के लिए ना। दुनिया में इज्जत सबसे बड़ी नॉलेज की होती है बाबू। दुनिया में अगर आप शिक्षा ले लोगे ना, आप कहते हैं ना, एक परिवार में, एक घर में अगर एक शिक्षित बच्चा बन जाए तो 7 पुश्त की कहानी बदल सकता है। एक पढ़ा लिखा शेर पैदा हो जाए 7 पुश्त के नामो निशान बदल के रख सकता है। जो 7 पुश्त ये कहते हैं गरीब है, बेकार है, कमजोर है, पूरा गांव आपके लिए तालियां बजाएगा। ये एक ही अलग है, कमजोर गरीब बच्चे के लिए एक हथियार है शिक्षा, जिससे तुम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। एक शिक्षित लड़का 7 पुश्त की कहानी बदल सकता है, पिछले 7 पुश्त के, आने वाले 7 पुश्त के। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक घर में कल IAS पैदा हो जाए, सिसौड़ा गांव में एक IAS पैदा हो जाए कल, तो सिसौड़ा गांव के पूरे नाम रोशन करोगे, साथ साथ तुम्हारे आने वाली 7 पुश्तों की पीढ़ी चेंज हो जाएगी, पिछले 7 पुश्तों की कहानी बदल जाएगी। शिक्षा वो चीज है जिसमें भारत में आज तक के हमारे जितने भी लीडर्स हैं, शिक्षा पे कोई बात नहीं करता। सोचिए, एक छोटे गांव के, जिस गांव का नाम भी मैं नहीं जानता था, सर को मैंने YouTube या सारी चीजें, ये इनका जो वीकली टेस्ट है, मैंने इतना अच्छा लगा कि कोई एक लीडर या जगह है, कोई एक इंसान जगह है जो बच्चों के बारे में सोचे, कोई ऐसा नेता तो जन्म लिया। अगर सर से, प्रदीप सर से इंस्पायर हो के हमें लगता है, अगर इन्होंने इस तरह से काम किया तो अगर इंस्पायर हो के हर एक गांव के मुखिया अगर ये काम करने लगे तो पूरे कैमूर की नाम पूरे दुनिया में रोशन होने लगेगी। कैमूर की धरती
धरती पे। इस सच्चा शिक्षा के अलग जो जग रही है बहुत अच्छा लग रहा है बाबू कि आप लोग पढ़ने के लिए मेरे को सुनने के लिए, उनकी दो बातें अच्छी सुनने के लिए आए। मैं आपको सारी बात बताऊं उससे पहले मैं आपको कुछ सबसे जरूरी बात, प्यारे बाबू दुनिया की सबसे ताकतवर चीज शिक्षा है। अगर आप एक गरीब परिवार के बच्चे हो ना, मिडिल फैमिली बच्चे हो और सोचते हो कुछ अच्छा करना अपनी जिंदगी में, आपको एक ही चीज है शिक्षा, जिसकी वजह से तुम पूरा कुछ बदल सकते हो। सोचो आज आपके घर में आपके मम्मी पापा हैं, आपको पढ़ाने के लिए कितनी सिकस करते हैं। मम्मी अपने लिए दीपावली में साड़ी नहीं खरीदती लेकिन बिटिया के लिए किताब खरीद के लाती है। पापा अपने लिए जूते नहीं खरीदते, आपका स्कूल का फीस जमा करते हैं। बाबा कितने उम्मीद कितने सपने लेके आपके साथ जीते हैं, आपके लिए सब कुछ त्याग देते हैं, अपनी जिंदगी में कहीं कुछ भी नहीं खरीदते, एक एक साड़ी में पूरा साल मां गुजार देती, नया साड़ी नहीं खरीदती है। हमारी बेटियां हमारा बेटा किताब खरीद लेगा उसे पढ़ेगा, उस माँ बाप के लिए हम क्या करते हैं अपने दिल से। जब आपको लगे ना कि पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, याद करिए उस गरीब माँ बाप को जो आपके लिए सपने देखते हैं। कहते हैं ना जब घर से एक बच्चा किताब लेके निकलता है तो माँ की आंखों में सपने होते हैं, मेरी ऑफिसर बेटवा मेरी ऑफिसर बिटिया जा रही है। अगर आप कल खाली हाथ वापस जाएंगे उन्हें कितना दुख होगा, कितने सपने सपने बच्चे को पढ़ाया था, कितने सपने सपने बच्चे को पढ़ाया था, आज देखो मेरे को क्या मिल रहा है। प्यारे बाबू आप घर वापस जाइए, कुछ अधिकारी बन के जाइए यार। कह देना रख बापू भरोसा तेरा हर एक सपना पूरा करके रख दूंगा, रख बापू भरोसा तेरा है कर हर एक सपना पूरा कर दूंगा, चमकती वर्दी पहनकर पहला सलूट तुझे ही दूंगा, चमकती वर्दी पहनकर तेरे पसीने के माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बढ़ा देख मैं उसे पूरा करके दिखाऊंगा, तू सपने बढ़ा दे। प्यारे बाबू हमारे माँ बाप को कह दीजिए आज जाके बापू जितना बड़ा सपना देखना है देखो, तुम्हारी बेटा तुम्हारी बेटी अब लग गए हैं, दिन रात मेहनत करेंगे, अपने आप को त्याग देंगे। बाबू इस चीज समझ लीजिएगा, आज जो आपको पढ़ाई तकलीफ लग रही है, जो दर्द लग रही है, ये जो दर्द सह लेगा कल अगले 40 साल नहीं अगले आने वाले सात पुश की कहानी बदल के जाएगा। अगर ये दर्द आज नहीं सहोगे, पढ़ाई में तकलीफ है तभी तो कुछ लोग हैं यहाँ पे, अभी दर्द है तभी तो कुछ लोग हैं, अगर मजा होता तो सब नहीं आते हैं यहीं पे, खेसारी लाल आए हुए होते तो सब आए होते हैं। खेसारी लाल का गाना सुनना है, तकलीफ होती है शिक्षा में, दर्द होता है तभी तो कुछ ही लोग टिकते हैं, और जो इस दर्द को सहता है जो इस तकलीफ को सहता है वही तो कुछ बड़ा बन के जाता है, वही तो इतिहास रहता है। और एक चीज कभी मत समझना, कोई कमजोर मजबूत नहीं होता है बाबू, कोई कमजोर मजबूत नहीं होता, सबको भगवान वही आंखें वही आंख दिए वही हाथ दिए वही पैर दिए, बस आपके ऊपर होती मेहनत। जो बच्चा लगातार डेली डेली पढ़ता है, थोड़ी थोड़ी भरता रहता है, थोड़ी थोड़ी पढ़ता रहता है, वही एक दिन जाके इतिहास रचता है। आप सोचिए एक दिन में आपकी जिंदगी बदल जाए, कभी नहीं कि एक दिन अली के सर के आने से जिंदगी बदलेगी, ये मेरी बात एक दिन के लिए आपको मोटिवेट करेगी, आज के खूब पढ़े लेकिन फिर भूल गए, कभी नहीं, आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा बाबू, हर दिन मोटिवेट रहना पड़ेगा, हर दिन डेली थोड़ा थोड़ा शेड्यूल बनाइए, 5-5 घंटे का 4-4 घंटे का थोड़ा थोड़ा पढ़िए, और एक चीज अपने दिल में हमेशा बना के रखिए कि हमें जब ऑफिसर बन जाऊंगा, जब ऑफिसर बन के अपने घर पे आऊंगी, जब वर्दी पहन के अपने घर पे आऊंगी, जब लाल बत्ती से अपने घर पे आऊंगी, उस दिन पूरा गांव हमारा स्वागत करने आएगा, उस दिन मेरे मम्मी पापा कितनी खुशी से झूम रहे होंगे, मेरे मम्मी पापा कितना गर्व फील कर रहे होंगे कि मेरा बेटा IAS बन के आई है, मेरा बेटा ऑफिसर बन के आया। और सबसे बड़ी चीज आप लोग में सबसे बड़ी कमी क्या है, आप सोचते हम गाँव के हैं सरकारी स्कूल से पढ़े हैं हम कुछ बड़ा थोड़ी करने के लिए बने हैं, वो तो अंग्रेज के बेटे बने हैं। जाने जितने ने इतिहास रचा है जिन्होंने बड़ा कुछ किया वो सब गरीब थे, कोई अमीर बड़ा नहीं करता है भाई, अमीर बेटा क्यों बड़ा करेगा, जब बुलेट मिल रहे घूमने के लिए, पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, खाने को बढ़िया खाना मिल रहा है, तो अमीर आदमी कुछ बड़ा क्यों करेगा, क्यों मेहनत करेगा, क्यों तकलीफ सहेगा। गरीब का बच्चा ही तकलीफ सहता है दर्द सहता है और अपनी सात पुत्र की कहानी बदल के जाता है। शिक्षा की ऐसी अलग है ना बाबू, ये शिक्षा ऐसी अलग है जो अपने दिल में जगा लो, पूरी जिंदगी हंसते गाते रहोगे, पूरी जिंदगी आपको कामयाब बनाएगी। कहते एक प्यारी सी लाइन है, ना संघर्ष ना तकलीफ क्या मजा है जीने में, अरे ना संघर्ष ना तकलीफ क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में, बड़े सीने में आग लग गई है, अगर आपके अंदर लगता है कि जोश है जुनून है, बाबू कोई बच्चा कुछ भी बन सकता है यार। जब एक अखबार बेचने वाला APJ अब्दुल कलाम पूरे भारत का मिसाइल मैन बन सकता है, तो आप हमको तो भगवान ने बहुत कुछ दिया यार, हम तो उससे भी बड़ा कुछ बन सकते हैं, आप उससे भी बड़ा कुछ कर सकते हैं। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिनको स्कूल से बाहर बैठा दिया जाता था, जिनके साथ घड़ा में पानी नहीं पिया जाता था, वो बंदा दुनिया से लड़के पूरी दुनिया में शिक्षा का अलग बनाया, पूरे भारत का इकलौता सबसे बड़ा डिग्री लेने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। सोचिए कि उन्होंने एक गरीबी स्ट्रगल के साथ साथ बड़ा कुछ किया, आप भी कर सकते हैं। आज के दिन का भी बड़ा नाम सुनते हैं बाबू,
सलमान खान आएंगे, शाहरुख खान आएंगे, अजय देवगन खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये ऐसे हीरो हैं जो शिक्षा वाले ना पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी तब पर भी ये जिंदा रहेंगे। आज भी भीमराव अंबेडकर का नाम सुनते हैं, आज भी विवेकानंद का नाम सुनते हैं, आज भी अजय देवगन का नाम सुनते हैं। किसके दम पे? शिक्षा के दम पे। ये बड़े करोड़पति के बेटे तो नहीं थे, ये भी तो आप जैसे हमारे से गांव के बच्चे थे, छोटे गांव के। देखो गांव के बच्चों के अंदर अच्छी बात क्या होती है, गांव का बच्चा पढ़ना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ आगे जाना चाहता है, लेकिन उसके आसपास के जो तत्व होते हैं ना खतरनाक वाले। देखिए कभी कभी भी आपके आसपास जो भी लोग हैं ना कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे सामने जो लेके आके डेली प्रणाम करते रहे वो IAS बन के हमारे गाँव में आ जाए, कभी नहीं चाहते भाई। इतना जान लीजिएगा, गैर चाहेगा बड़ा बन जाइए, दूर वाले चाहेगा बड़ा चाहिए, लेकिन आपके गरीब वाले कभी आपको नहीं चाहेंगे आप बड़ा बने। उनका ईगो हट होगा, उनको दुख होगा कि एक गरीब बिटिया, एक गरीब घर का बेटा आज IAS बन के आ रहा है, उनको तकलीफ से जलन के मारे मर जाएंगे। हम बुलेट लेके घूमा तो लाल बत्ती लेके घूम रहा है भाई, कभी चाहेंगे वो? यही चीज है, आपके अपने आसपास वाले लोग हमेशा आपको रोकेंगे, हमेशा।